नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बेटे की चाहत मां पर सितम, मासूम के साथ खा रही दर्दर की ठोकरे। नवादा में बेटी को दिया जन्म तो पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला, दूसरी महिला से बढ़ाई दोस्ती। इस आधुनिक जमाने में कई लोगों की सोच आज भी रूढ़िवादी है। खासकर बेटी के जन्म को लेकर सरकार बेटी बचाओ को लेकर शासन स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए बेटियां बोझ मानी जाती है, जिसको लेकर बेटी और उसको जन्म देने वाली मां को कई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसा एक मामला सामने आया है नवादा से, जहाँ एक महिला की पहली डिलीवरी होने पर बच्ची ने जन्म लिया तो यह ससुराल जानों को गवारा नहीं हुआ। प्रीता के साथ पति कृष्ण श्याम, गोतनी बबीता देवी और भैंसुर भोला साहब शारीरिक और मानसिक अत्याचार शुरू कर दिए। बेटी पैदा होने पर पति गोतनी और भैंसुर ने विवाहिता को मारपीट करके घर से निकाल दिया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि थाना पुलिस से कई बार शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अंत में थक हार कर सपरिवार न्यायालय का शरण लिया है। बता दें, पकड़ी वर्मा थाना क्षेत्र के मोहन बीघा के निवासी विनोद कुमार शाह की पुत्री सहप्रिया का ब्याह 26 अप्रैल 2021 को जिले के थाली थाना क्षेत्र के निवासी स्वर्गीय बाबूलाल साहब के पुत्र कृष्ण साहब से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। इस दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया। ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। प्रीता का कहना है कि बेटी पैदा होने पर उनके पिता कृष्णा साह और मायके वालों बच्ची को मारने के नमक चटाने लगे, जिसका विरोध करने पर पति समेत ससुराल जनों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं प्रीत परिवार मासूम के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रीता ने अपने पति पर गोतनी बबीता देवी से अवैध संबंध का आरोप भी लगाया है। प्रीता सह प्रिया का कहना है कि आरोपी पति गोतनी और भैंसुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सभी को गिरफ्तार किया जाए। क्या समस्या हुआ तो आप लोग के साथ यहाँ कोर्ट के पास क्या कर रहे हैं? हम माधोपुर बिशनपुर के रहने वाले हैं। मेरा बेटी जन्मी है, इसलिए मेरा पति उनको मारता पीटता बहुत है, बहुत गाली गलौज करता है। मेरा भैंसुर बोलता है लड़की है इसको छोड़ा हो जाके। पकी वर्मा आज कहाँ आई? आने वाले यहाँ आवेदन देने के लिए। कहाँ? कोर्ट में। क्यों, पुलिस नहीं सुन रही है आपकी? एक बात भी नहीं सुनती है, जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। पुलिस नहीं सुनती है? नहीं। क्या क्यों पति इस क्यों ऐसा पर्दाई करता? बेटी जन्मी इसलिए? हाँ, बेटी जन्मी इसीलिए हमको इतना करा दे। मेरी बेटी 2 महीने की है, ये है। तो इसको शिकायत नहीं किए कहीं? शिकायत किए थे, लेकिन वहाँ केस नहीं लेता, पैसा दे के छोड़ देता है। कौन? पुलिस वाले। कहाँ, किस थाने का मामला है? थाली थाने का मामला है, गोविंदपुर थाली। क्या नाम है आपका? सप्रिया कुमारी। कब शादी हुआ था? 26 अप्रैल 2021 को। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? मेरे पति मोदी खाना दुकान में रहते हैं। क्या समस्या हुआ? हम बेटी को 2 साल पहले किए हैं शादी, उसके बाद में हमको बेटी को एनी टाइम प्रताड़ित करते रहता है। उसके बाद में इसका भैंसुर भी पूरा प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है। भैंसुर और गोतनी और ये मेरा दामाद मिल करके, और उसके बाद में इसको बच्ची पैदा हुआ है, अभी 2 महीना का है। बच्ची को नमक चटाता था, इसके लिए थोड़ा बोलचाल हुआ है दोनों पति पत्नी में, तो मेरा घर पहुंचा दिया है। बोला नमक क्यों चटाता था? नमक की बेटी नहीं चाहिए हमको, हमको बेटा चाहिए था। तुम बेटी पैदा किए हो, अब बताइए, सरकार बेटी अभियान चलाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को ही जान मारना चाहता है। इसके लिए अब हम पुलिस थाना है सब कर करके हम थक चुके हैं। इसके लिए अभी हम कोर्ट में आए हैं, आवेदन दिए हैं। कहाँ से आए हैं? हम पकड़ी वर्मा मोहन बीघा से आए हैं। क्या करते हैं इनके पति, क्या करते हैं? इसका पति मोदी खाना दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद कुमार शाह नाम है।